हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोया चंक्स और ब्रेड का बहुत ही टेस्टी चटपटा सा नाश्ता, जो खाने में बहुत ही स्वाद और बच्चे बड़े सबको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, रेसिपी को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिए है सोया चंक्स, जिसे कि मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। और जब ये सॉफ़्ट हो गए तो मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके, ड्रेन आउट करके, सुखा कर एक ब्लेंडिंग जार में इसे डाल दिया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिए हैं साथ में लहसुन की 7 से 8 छोटी छोटी लहसुन की कलियाँ हैं, और साथ में 2 हरी मिर्ची जिसे मैंने डाल दिया, और इसे एक बार हम चला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए मटर, तो इन मटर को भी हम इसमें जो सोया चंक्स की हमने पेस्ट बनाई उसमें डाल देंगे, और इन्हें भी थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना है। तो इसे भी मैंने ब्लेंड कर लिया है। तो अब इस मिक्सचर को हम एक बॉल में निकाल लेते हैं। तो अब इस मिक्सचर में मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 बॉयल और मैश किए हुए आलू हैं ये, और इन्हें भी इसमें डाल दिया है। और साथ में मैं डाल रही हूँ प्याज, जो कि बारीक कटा हुआ एक छोटा प्याज है। और अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, जिसमें मैंने 1/2 छोटा चम्मच नमक का डाला है, और 1/4 चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाली है, 1/4 चम्मच इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच इसमें धनिया पाउडर, और थोड़ी सी इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने सौंठ पाउडर डाला है, मैंने अदरक नहीं डाला है, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। और इन सब मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे इसको बाइंडिंग के लिए 2 से 3 बड़े चम्मच, जो इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, और इसे भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये हमारा जो है डो तैयार हो गया है एक, और इस डो को हमें इस तरह से हाथ में लेकर, छोटे छोटे बाउल लेकर, उसे हमें एक पैटी का रूप दे देंगे। और मैंने इस तरह से देखिए पैटीज जो है वो बना ली है। तो देखिए पहले भी मैंने 2 बना के रखी है, और इस तरह से मैंने जो टिकियां तैयार कर ली है। और यहाँ पे गैस पे मैंने रखा है एक फ्राई पैन, और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा तेल। तो इसमें हम जो पैटीज बनाई हैं उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो ये यहाँ पे मैं इसे सोलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें हमें फ्राई कर लेना है। तो इन्हें फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें फ्राई करना है, ताकि ये गोल्डन ब्राउन जो हो जाए। अगर हम इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी, तो इसे लो फ्लेम पर ही पकाएं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से सारे जो हम पैटीज़ है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बॉल। अब इस बॉल में मैं डाल रही हूँ मेयोनीज़। तो 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं मेयोनीज़ के। ये मेरे पास जो मेयोनीज़ है वो फ्लेवर्ड है, इसमें गार्लिक और सारे जो स्पाइसेस है वो मिक्स है। अगर आपके पास प्लेन मेयोनीज़ है तो आप उस पर आप उसमें नमक और काली मिर्च डाल लें। और इसमें मैंने डाली है पत्ता गोभी, तो इसका एक पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास है ब्राउन ब्रेड, और इस ब्रेड को मैं इस तरह से एक ग्लास के की हेल्प से राउंड जो है वो कट कर लूँगी। आप चाहे तो इसे कट ना करें, एज अ स्लाइस भी आप पूरा ब्रेड को जो है वो ले सकते हैं। ये मैंने वैसे ही कट कर लिया, थोड़ा बच्चों को अच्छा लगता है इस तरह। और जो ब्रेड की स्लाइस है इसे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, उन्हें आप इस तरह से फेंके नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो गैस पर है एक तवा रख लिया है, उसे गर्म कर लिया है, उस पर मैंने डाल दिया है बटर। तो बटर को मेल्ट होने देंगे, और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाता है तो उसमें हमने जो ब्रेड के स्लाइस है जिन्हें राउंड कट कर लिया था हम उसे सेक लेंगे। तो दोनों तरफ से हम इसे क्रंची कर लेंगे, सेक लेंगे। तो ये देखिए इन्हें मैंने कर लिया है, और इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। अब जो एक स्लाइस है उस पर हम लगा देंगे टोमेटो सॉस, और जो दूसरा स्लाइस है उस पर हमने जो मेयोनीज और पत्ता गोभी का जो मिक्सर तैयार किया था उसे लगा देंगे। और अब इसमें हम रख देंगे, एक स्लाइस पर हम रख देंगे पैटी, और उसके दूसरा स्लाइस जो है सॉस वाला उसे हम ऊपर से कवर कर देंगे। और ये देखिए हमारा जो टेस्टी ब्रेड बर्गर तैयार हो गया है, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। पैटी जो बनी है वो बहुत ही डिलीशियस है, आप इसको और भी कई तरीक़ों से इसका यूज़ करके खा सकते हैं। तो ये नाश्ता जो बनकर तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।